आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है, विलेजर्स इन अ प्लेस नियर चेंबूर स्टार्टेड प्लानिंग टू मेक अ पावर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फ्रॉम द काउ डंग। यानी विलेजर्स ने क्या डिसाइड किया कि उन्हें पावर सप्लाई के लिए, किसके, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए उन्होंने काउ डंग से एक पावर प्लांट स्टार्ट किया है। कौन सा? बायोगैस प्लांट फॉर द पर्पस। स्टडी द फ्लो चार्ट फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक बायोगैस प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी इन द फ्लो चार्ट? प्रोटीन पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड या फ्लैट फैट ग्लोब्यूल्स? स्टार्टिंग विथ बायो गैस। बायोगैस क्या है? बायोगैस है हमारी मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो यहाँ पे कौन कौन सी मेजर गैसेस होगी? तो यहाँ पे मेजर गैसेस होगी हमारी मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये दो हमारी मेजर गैसेस यहाँ पे होगी। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन करें तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स भी यूज करेंगे, और वो रॉ मटेरियल्स बेसिकली होता है हमारा एग्रो वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, और अगर इनमें पर्टिकुलरली बात करें तो किसकी होती है? काउडंग की, जो किस में रीच होता है? मिथेनोजेंस में। वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो हेल्प करता है मिथेन प्रोडक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एनारोबिक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एनारोबिक प्रोसेस की, तो एनारोबिक प्रोसेस कैसे होगी? ऑक्सीजन की एब्सेंट में ये प्रोसेस होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लो चार्ट बोल रहा है प्रोटीन, फैट, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सोल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद इन सोल्यूबल कंपाउंड्स का फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स कन्वर्जन कर रहे हैं बी में। तो अगर हम सेकेंड स्टेज देखें बायोगैस प्रोडक्शन की, तो ये सोल्यूबल कंपाउंड्स जो हैं ये किन में कन्वर्ट होते हैं? इन पे जो फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स, हमने बात की अभी एनारोबिक प्रोसेस है ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स जो एक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माइक्रोब्स एक्ट कर रहे हैं और वो काय में सॉल्युबल कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स में। हम जानते हैं जब फर्मेंटेटिव प्रोसेस होती है और क्या, किसके प्रोसेस में? सॉल्युबल कंपाउंड्स जो रहते हैं तो वो काय में कन्वर्ट होते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली बायोगैस की बात करें तो यहाँ पे कौन सा रहता है? यहाँ पे रहता है हमारा एसिटिक एसिड, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ए मेंशन है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अनादर माइक्रोब्स ऐड हो रहे हैं और वो किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? वो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं बायोगैस का, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना था कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी इन द फ्लो चार्ट। तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन, यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।